वेलकम टू माई चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो आप लोगों के लिए आ गए भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 बार्सिलोना बैश लीग का BSH वर्सेस CTT के बीच 59 मिनट बाद। तो बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों। एंड नीचे भी आप विनिंग स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हैं जिन्होंने मेरी टीम से खेला था। तो ग्रुप का नेम आप एक बार फिर देख लो कि मैं नहीं चाहता आपको ग्रुप ढूंढने में प्रॉब्लम आए। तो चलते हैं आगे, बात करूं अगर मैं इस मैच की, मैच है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच और इसमें आप भाइयों इसमें ना स्टेटस उड़ा दिया गया बिकॉज इन्होंने लीग का नाम बदल दिया। पहले था बार्सिलोना लीग, अब लिख दिया बार्सिलोना बैश, तो उस कारण इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। बात करूँ विकेट कीपर की तो बी खान यहाँ से आपको बहुत ही भाइयों ज़बरदस्त पिक मिलता है। एक्चुअली बी खान एक है, बी एक है बाबर खान और एक वहाँ से एक और इसी टीम का बी खान, इसका नाम है बिलावल खान। बाबर खान भी अपनी टीम से ओपनर आ सकता है और साथ ही साथ दूसरा बी खान भी ओपनर आ सकता है। तो इसलिए मैंने भाइयों बाबर खान को चुना बिकॉज ये विकेट कीपर ऑप्शन में सेट है। और आगे से बात करूँ ए हुसैन की, अलुमदर हुसैन एक्चुअली मुझे सुनने में आए कि आज के मैच में एक आधा ओवर बॉलिंग डाल सकता है। अभी पक्का तो नहीं है देखो अगर मैं बोलूँ, क्योंकि अभी मेरे को इतना इसके बारे में भी इसका इतना स्टेटस आया नहीं। आई थिंक मैं इसको ड्रॉप भी कर दूँ तो इसके आई थिंक मैं इसकी जगह बॉलर लूँगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको रख सकते हो। बात करूँ बैट्समैन की तो के लाल को इन्होंने बाद में ऑल आउटर सेक्शन में डाल दिया था, अब दोबारा से इस बेचारे को बैटिंग सेक्शन में आना पड़ा बिकॉज ये चेंजेस करते रहते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे लिए, क्योंकि एक जगह ना सेटिंग बैठ जाती है, सेटिंग बिगाड़ देते हैं। लेकिन इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास सारा स्टेटस है क्योंकि ये कोई न्यू लीग नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। तो केएलआर ऑलराउंडर है, दो ओवर बॉलिंग डालता है, अपनी टीम से ओपनर आता है जो कि एक प्लेयर है एच सलीम, ये दोनों ओपनर आते हैं। और आगे से बात करूँ एस भट्टी की, ये है CTT का ओपनर, अगर ये नहीं खेलता तो आई थिंक इसकी जगह जो ओपनर आएगा वो है ए सरवार, आई थिंक अभी पक्का नहीं है क्योंकि आजकल भट्टी को ओपनिंग दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और आगे से बात करूँ मोहसिन अली भी ओपनर आ सकते हैं, मतलब कुछ ना 3-4 ओपनर्स हैं, उनमें से कोई दो तो आएंगे ही। तो ये जो आप प्लेयर देख रहे हैं मोहसिन अली के अंदर खासियत क्या है, एक्चुअली दोस्तों ये ना दो ओवर बॉलिंग डालता है तो इसमें एक तरह ये ऑलराउंडर है। और आगे से बात करूँ यहाँ से डी खान आप देख रहे होंगे, ये आता है 2 से 3 डाउन, चाहो तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बात करूँ भाइयों ऑलराउंडर की तो एच सलीम के बिना टीम बनना बहुत मुश्किल है, इतना ज़बरदस्त प्लेयर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिले। और इस जैसा प्लेयर मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या प्लेयर है। डी सिंह कौर का आई थिंक इन्होंने ऑलराउंडर सेक्शन में डाल दिया, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आज इससे वो डलवानी इन्होंने बॉलिंग, क्योंकि अभी तक तो इसका कोई बॉलिंग स्टेटस था नहीं, ना ये कुछ पिछले ओवर्स में बॉलिंग डाल रहा है, लेकिन अब ऑलराउंडर सेक्शन में डाल दिया तो आई थिंक क्या पता बॉलिंग दे दें, क्योंकि ये यूरोपियन लीग है कुछ भी कर देते हैं ये लोग। और आगे से बात करूँ मलिक माती उर रहमान जो कि अपनी टीम से अगर देखा जाए तो 2 से 3 डाउन आएगा, जो कि एम उर रहमान दो ओवर बॉलिंग भी कराएगा एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। आगे से बात करूँ यहाँ से आपको एक और प्लेयर दिखता है जिसका नाम है गुलाम के अंदर खासियत क्या है, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये एक बॉलर है, इसकी बैटिंग इतनी खास है ही नहीं, मतलब ये 2-3 रन का खिलाड़ी है या मैक्सिमम 12-13 रन का। बाकी आपको बता दूँ ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं चाहे तो आज के मैच में कुछ अच्छी खासी विकटें ले सकता है, पिछले मैच से लगातार इसने 4 मैच में 8 विकटें अपने ऑन की हैं। तो बात करूँ बॉलर की तो ये है एम उर रहमान, ये दूसरा है, उसका नाम था मलिक माती उर रहमान, इसका मलिक सामी उर रहमान, दोनों एक ही टीम के हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। आर अली की बात करूं, आर अली भाइयों मतलब एक मैच में एक बार इसने 5 विकटें कड़का दी, 124 से 125 पॉइंट दे गया था, जबकि इसकी सिलेक्शन थी 21%, बहुत बड़ी बात है। और आगे से बात करूं ए मोहम्मद की, ये है अजीज़ मोहम्मद, टॉप का प्लेयर, कैप्टन अगर आपने किसी को चुनना है या फिर वाइस कैप्टन, ए मोहम्मद से बढ़िया चॉइस आपको मिलेगी नहीं, ये बंदा अपनी टीम से 1 डाउन आ सकता है और 2 ओवर बॉलिंग डालता है। और एक प्लेयर को तो हम भूल ही गए दोस्तों, इन्होंने नीचे कर दिया, मैंने अभी देखा के राजा जैसे कि आपको पता है अपनी पहले ही ऑलराउंडर आता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चल रहा, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ग्रैंड लीग में उल्टे सीधे प्लेयर चलते हैं जिन पे भरोसा ना हो। तो आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा मेरा एच सलीम एंड वाइस कैप्टन के लाल, चाहो तो वाइस कैप्टन इसको भी ट्राई कर सकते हो ए मोहम्मद को ग्रैंड लीग में। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।